दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है। जी हाँ, SBI का अक्टूबर 2019 में क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है और इसने बिल्कुल पॉजिटिव सरप्राइज दिया है, क्योंकि एनालिस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट तो होगा लेकिन प्रॉफिट टू टाइम्स मतलब दुगुना होगा, लेकिन प्रॉफिट तीन गुना बढ़ के 3000 करोड़ तक हो गया है। थोड़े से प्रोविजन बढ़े हैं, लेकिन जो नई लोन NPA में जो जाने वाली थी या जो जाती थी वो कम हुई है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के लिए भी और बैंक के लिए भी। देखिए, पिछले साल 944 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ था, जो अब तीन गुना बढ़कर 3000 करोड़ तक हो गया है। जिसमें से एक चीज़ हमको माननी पड़ेगी कि SBI लाइफ इंश्योरेंस में इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक सेल किया था, जिसकी वजह से भी उनको वन टाइम गेन मिला है। लेकिन बिजनेस परफॉर्मेंस में हम आते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस में नेट इंटरेस्ट इनकम 17.7% बढ़ी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 21 BPS बढ़ा है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, बिल्कुल सीधे शब्दों में आपको मैं समझाऊं कि बैंक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और FD के इंटरेस्ट से लोन देता है, तो वो लोन का डिफरेंस और ये FD और सेविंग अकाउंट का डिफरेंस वो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इसका प्रॉफिट है। तो वो जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो बढ़ा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए 21 BPS ये बढ़ा है। दूसरी चीज़, एनालिस्ट लोग 1875 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट 3000 करोड़ तक हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, पॉजिटिव सरप्राइजिंग था। इसकी एसेट क्वालिटी को जनरली ग्रॉस NPA और नेट NPA से हम मानते हैं, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। नेट NPA 2.79% है और ये गिरा है 28 BPS गिरा है। जैसे HDFC बैंक का नेट NPA 0.42% है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो नेट NPA है वो भी ऐसे परसेंटेज गिर रहा है, 28 BPS पॉइंट गिरा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, चाहे वो स्टॉक के लिए हो या बैंक के लिए हो, दोनों के लिए। नए लोन जो है नेगेटिव यानी स्लिपेजेस जो है वो भी कम हुए हैं, और मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सराहा भी है। और ये देखिए SBI के रिजल्ट आए हैं और 7.4% स्टॉक का भाव भी बढ़ा है। ये देखिए इसके रिजल्ट आए हैं दोपहर के समय में, और ये देखिए ये रिजल्ट इसके आए हैं 1:45, 1:50 के समय में, और स्टॉक देखिए बिल्कुल भागा है 7.5% के आसपास इसका प्रॉफिट, और जबरदस्त वॉल्यूम भी इसमें हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो रिजल्ट देख के आपको खुश होने की बहुत सारी वजह मिल रही है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस हिसाब से SBI में अब ट्रेडिंग करना चाहेंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको SBI पर अब क्या लगता है, बाई करेंगे या सेल करेंगे या होल्ड कर देंगे, ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका स्टेट बैंक पर अब क्या व्यू रहेगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।